हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत खाना। आज की रेसिपी है मार्केट स्टाइल रगड़ा। इसको बनाने काफ़ी आसान होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम रगड़ा की रेसिपी को देख लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रगड़ा, जो सेव पूरी, पानी पूरी और रगड़ा पैटीज में काम आता है। और आज हम जो रगड़ा बनाने जा रहे हैं वो एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनाने वाले हैं। और इसको बनाना बहुत आसान है और इजीली बन जाता है। और कई लोगों का सवाल होता है कि उनके रगड़े में बाजार वाला टेस्ट नहीं आता है, तो आज हम बिल्कुल बाजार वाले स्टाइल में रगड़ा बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने रगड़ा बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। ये रगड़ा बनाने के लिए हमने लिया है पीली मटर, इसको पीली वटाना भी बोलते हैं। ये मैंने 400 ग्राम लिए है, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था 5 से 6 घंटे के लिए। 1 चम्मच भुना जीरा, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। 1/2 चम्मच हल्दी, नमक 2 चम्मच, 1 चम्मच हम बॉईल करते समय डालेंगे और 1 चम्मच हम ऊपर से डालेंगे। 5 से 6 चम्मच हरे धनिया की चटनी, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। चाट मसाला, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है। 1 नींबू, इसका मैंने रस निकाल लिया है। तो चलिए हम अपने रगड़े की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम अपनी वटाना को डाल देंगे, पीली मटर को। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। इसमें हमने 2 बाउल पानी डाला है, बोले तो जितनी हमने पीली मटर ली है उसमें हमें डबल पानी डालना है, 2 बड़े बाउल। और इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी, 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल। अब इसको हम 3 सीटी तक अच्छे से बॉईल करेंगे। अब देखिए, इसको मैंने 3 विसल लगा लिया है। अब हम अपने वटाना को चेक कर लेते हैं, पीली मटर को। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है और ज़्यादा गाढ़ा होता जाता है। अब हम इसके अंदर इसमें मसाला डालेंगे। आपने देखा होगा वेंडर जो है नॉर्मल पानी नहीं डालते हैं इसके अंदर, उसमें अपना वो पानी पूरी का जो पानी होता है वो डालते हैं और थोड़ा सा मसाला डालते हैं। हम उसी स्टाइल में बना रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा यमी बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप इसको फॉलो जरूर कीजिए और मेरे वीडियो में कमेंट करके बताना आपको जब भी ये पसंद आए तो। अब उसको साइड में रख देता हूँ। एक बाउल ले लेते हैं हम। अब इसके अंदर हम चटनी को डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, जीरा डालेंगे थोड़ा भुना हुआ। अब इसको हम आपस में मिला लेंगे अच्छे से। आपने देखा होगा जो नॉर्मल वेंडर्स होते हैं उसमें नॉर्मल पानी नहीं मिलाते हैं, उसमें रगड़े में पानी पूरी का पानी मिलाते हैं, इससे हमारे जो रगड़े में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हींग, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद आए तो डालना, नहीं डालना तो मत डालिए। इस तरह की हींग होती है ना, करंट वाली वाली डाल रहा हूँ मैं, और अगर पाउडर वाली हींग डालें तो 1 पिंच डाल लें। इसको भी इसमें अच्छे से मिला लेता हूँ मैं। अब ये अच्छे से हींग इसमें मिल गई है। अब हम अपने रगड़े में ये चटनी वाला पानी डालेंगे, पानी पूरी का पानी मसाला बना लिया हमने। अब इसमें हम ये डाल देते हैं, इससे एक मस्त फ्लेवर आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ऊपर से डालेंगे बचा हुआ नमक, नींबू। अब इसको हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एकदम। हम वेंडर स्टाइल में बनाएंगे रगड़ा। वैसे तो नॉर्मली जो रगड़ा बनता है उसमें आलू डलता है और उसको पैन में रख के वो लोग गर्म करते हैं, पर हम वेंडर स्टाइल में बना रहे हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल। उसमें अच्छा टेस्ट भी आता है। आप लोग अब नहीं कहेंगे बाहर वाला टेस्ट नहीं आया है हमारे घर वाले रगड़े में, अब बिल्कुल आएगा। इसको जरूर अपने घर पे ट्राई कीजिए। अब हमारा रगड़ा बनके तैयार है, उसको हम थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा रगड़ा बनके तैयार है, एकदम यमी बना है, एकदम टेस्टी बना है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए अपने घर पर और इसको आप इन्जॉय कर सकते हैं पानी पूरी के साथ, रगड़ा पूड़ी के साथ, रगड़ा पैटी के साथ और अन्य किसी भी चाट के साथ इसको आप इन्जॉय कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड आप मेरे को पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो जरूर लाइक कीजिए और आने वाली मोर किचन टिप्स के लिए और मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।